आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के जिला कमेटी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल ने नव नियुक्त जिला कार्यकारिणी की जानकारी दी। बाद में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की चर्चा की। उन्होंने कहा कि विकास के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। भाजपा की नाकामी झेल रही सिंगरौली आप पार्टी की जिले की महिला अध्यक्ष अनिता सिंह ने कहा कि हमारे सिंगरौली में महिलाओं का काफी शोषण हो रहा है, जो कि अब बहुत हो गया। हम महिलाएं एक साथ मिलकर महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हर कदम पर लड़ाई लड़ेंगे। आप पार्टी के नव नियुक्त जिला संगठन प्रभारी ने बताया कि अभी हमारे काफी संगठन का निर्माण हो रहा है, आगे बहुत जल्द हम लोग जिले के एक बूथ पर पदाधिकारियों को नियुक्त करेंगे। आप पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं संरक्षक मनु अनिल द्विवेदी ने कहा कि जिस तरह से पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम पार्टी का एवं पार्टी के पदाधिकारियों का हमेशा एक मजबूत संरक्षक बनकर ढाल की तरह कार्य करेंगे। वहां पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष ने कहा, कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है, सरकार की नाकामी झलक रही है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, पूर्ण रूप से नाकाम साबित हो रहे हैं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे प्रेस वार्ता में इस कोरोना जैसी महामारी के बीच भी आने के लिए पार्टी के आला कमान हाई कमान ने जिस तरह से हमको सिंगरौली जिले की कमान सौंपी है, हम उस पार्टी के नेतृत्व के हिसाब से पार्टी के जो भी हमारे हमको काम दिया जाएगा उसके हिसाब से हम बिल्कुल पार्टी के लिए और सिंगरौली के समाज के हित के लिए तत्पर आगे रहेंगे। हमारे सिंगरौली जिले में भी वर्तमान में सबसे मुख्य मुद्दा तो कोरोना जैसी महामारी फैल गई है। ये सिंगरौली में आज हमको लगता है 69 के पार हो चली है केस पॉजिटिव कोरोना की। कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी दिख रही है, यहाँ के विधायक जी की नाकामी दिख रही है, जिला प्रशासन की नाकामी दिख रही है कोरोना जैसी महामारी के लिए।